लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इन लोगों को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए अमरूद, फायदे की जगह होगा नुकसान। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमरूद मानसून और सर्दियों में काफ़ी मात्रा में बाजार में मिलते हैं। अमरूद अधिकतर लोगों को काफ़ी पसंद होते हैं। अमरूद का स्वाद मीठा और कसैला होता है। ये बच्चों को लेकर के घर के बुजुर्गों को काफ़ी पसंद होते हैं। इसको काला नमक लगाकर खाने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी। इसके सेवन से पाचन से जुड़ी समस्या ठीक होने के साथ शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोगों को अमरूद के सेवन से बचना भी चाहिए। कई ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। अमरूद का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, उन लोगों को अमरूद का सेवन करने से बचना चाहिए। अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसे शुगर पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं जो लोग शुगर लेवल कम करने की दवाई ले रहे हैं, उन लोगों को अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको डायरिया की समस्या है, तो उस समय अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमरूद में मौजूद फाइबर डायरिया की समस्या को बढ़ा सकता है। वहीं अगर आपको कब्ज की परेशानी है, तो इसे बेहिचक खा सकते हैं। अमरूद में बीज होने के चलते ये चबाने में काफ़ी सख्त होता है। इस कारण इसको खाने से दांत में दर्द की समस्या हो सकती है। वहीं इसके बीज साइज में छोटे होते हैं, जो दांतों में फंस जाते हैं। ऐसे में इनको निकालने के चक्कर में दांत में दर्द की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या या फिर खाना देर से पचता है, इन लोगों को अमरूद का सेवन हरगिज नहीं करना चाहिए। अमरूद में विटामिन सी और फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है, इस कारण इसे पचाने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में इस तरह के लोग अमरूद खाने से बचना चाहिए। अमरूद खाने से शरीर का शुगर लेवल कम होता है, इस कारण इसको सर्जरी कराने के बाद नहीं खाना चाहिए। सर्जरी कराने के बाद इसको खाने से घाव भरने में दिक्कत आती है। वहीं सर्जरी से पहले भी अमरूद खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।